गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर चैप्टर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ फिश ब्रीडिंग ये चैप्टर जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन फिशेस ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था बंद ब्रीडिंग क्या होती है वो पढ़ा था हमने उसके बाद स्पॉनिंग पड़ा था स्पॉनिंग इन बर्ड उसके बाद जो टेक्निक ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग जो इंड्यूस ब्रीडिंग पूरा टॉपिक है वो इस इस बार हमारे जो टॉपिक है उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है इसलिए हमने वो टॉपिक छोड़ दिया इंड्यूस ब्रीडिंग और उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन इन फिशेस इसके पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन इन फिशेस पढ़ा था जिनमें क्या किया गया था दो तरीके का हाइब्रिड हमको बताया गया था इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक हाइब्रिड तो जिसमें अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है कौन सी स्पीशीज़ हमें मिलती है उनमें कैरेक्टर कैसे कैसे पाए जाते हैं ये हमने उस टॉपिक में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन इन फीशेस में उसके बाद जो टॉपिक है हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन मैच्योरिटी फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग ऑफ फीशेस तो ये जो टॉपिक है ये रिड्यूस कर दिया गया है इसलिए ये भी टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे उसके बाद जो फोर पॉइंट फाइव टॉपिक है इस चैप्टर का जो फोर पॉइंट फाइव टॉपिक है जिसका नाम है हाइपोफाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन ब्रीडिंग इन फिशेज तो क्या असर करता है ब्रीडिंग पे हाइपोफाइजेशन का और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है उनका क्या असर होता है हमारे फिशेज के ब्रीडिंग पे हाइपोफाइसेशन -fys क्या होता है हाइपोफाइसेशन इज अ मेथड यूज्ड इन द ब्रीडिंग ऑफ फिश मींस फिशेज में अगर हमें ब्रीडिंग breed, करवानी है तो हम इस टेक्निक से कर सकते हैं तो इस हाइपोफाइसेशन में क्या किया जाता है हाइपो इन दिस टेक्निक इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट दैट इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिश मीन्स पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जो कि ब्रेन में एक छोटी सी ब्रेन के नीचे ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वो फिश में इंजेक्ट किया जाता है और जिससे क्या होता है फिश ब्रीडिंग करने के लायक हो जाती है मींस ब्रीड कर पाती है जिस और बहुत बार गोनेडोट्रॉपिंग हार्मोन भी इंजेक्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग तो इसके लिए क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बाय अगर हम हाइपोफाइसेशन कर रहे हैं फिशेश में तो क्या उनमें इफेक्ट करता है इन्वामेंटल फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं ब्रीडिंग में तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीडिंग ऑफ फीशेस तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो भी फिश ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीज फैक्टर स्टीमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज गोनेडोट्रॉफिन तो जो ये फैक्टर है वो नेचुरली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हारमोन रिलीज करने के लिए स्ट्यूमुलेट करते हैं दीज फैक्टर आर वो कौन से कौन से फैक्टर है लाइट टेम्परेचर वाटर कंडीशन मेटी मेटीरोलॉजिकल कंडीशंस एसेट्रा तो लाइट जो सन लाइट फिशेज को मिलती है दिन डे टाइम में टेम्परेचर वाटर का जो टेम्परेचर होता है वाटर कंडीशन वाटर कंडीशन कैसी है बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिक तो नहीं या फिर बहुत ज़्यादा पीएच उसका कम या फिर ज़्यादा नहीं तो ये सब जो वाटर कंडीशन है वो उसमें आ जाता है और मेटि मेटियोरोजिकल कंडीशंस में स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर मींस एटमॉस्फेयर कैसा है जहाँ पे फिश की ब्रीडिंग हो रही है वहाँ पे वेदर कैसा है तो ये सब मेटियोरोलॉजिकल कंडीशंस में आता है तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट अर्ली मैचूरेशन एंड स्पॉनिंग इज डिपेंड अपॉन फोटो पीरियड एंड इट इज ऑब्जर्व इन नोट्रियोपस बायफ्रीनेस्टस फंडस कॉन्फ्लु एसेट्रा तो ये जो नाम है ये फिशेज के नेम्स है तो नोट्रियोपसस और बायफ्रीनेटस एक स्मॉल साइज की फिश होती है उसके बाद फंडुलस कॉन्फ्लुएंट्स ये भी एक फिश की स्पीशीज है तो लाइट से देखो अर्ली मैचुरेशन एंड स्पॉनिंग स्पॉनिंग होना या फिर अर्ली मैच्योर होना किसी फिश का वो किस पे डिपेंड करता है उनको जो फोटो पीरियड मिलता है मीन उनको डे टाइम जितना उनको लाइट मिलती है उस पे डिपेंड करता है और ये हमने किस में ऑब्जर्व किया है नोट्रियोपस बायफ्रीनेटस और फंडुलस कॉन्फ्लुंट एसेक्टा तो ये फिशेज की स्पीसीज है इन सम स्पीशीज ऑफ नॉर्दर्न लैटीट्यूड्स डीले मैच्योरेशन एंड स्पॉनिंग ड्यू टू फोटो पीरियड इज ऑब्जर्व इन सलमो गियरिरी सेलविलीन फॉन्टीएनिस एसेक्ट्रा तो इनमें नॉर्थ नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, में कैसा उनको लाइट पीरियड कम मिलता है वहां पे बहुत कम टाइम के लिए रोशनी होती है सूरज की तो इसीलिए उनमें क्या पाया गया है उनमें मैचुरेशन में और स्पॉनिंग पीरियड में डिले हुआ है देरी हुई है ड्यू टू फोटो पीरियड <coughs> और ये कौन सी फिश में इनको ऑब्जर्व हुआ है सल्मो गियरडी नेरिया नेरी सॉरी सेलवेलिनीस फॉन्टीनैलिस एसेट्रा तो जो ये फी स्पीसीज है सेलमो गियारडी नेरी ये इसे हम लोग रेनबो ट्राउट भी कहते हैं कॉमन नेम और सेलविलीनियस फोंटी फॉन्टीनैलीस जो स्पीसीज है उसे ब्रूक ट्राउट भी कहा जाता है तो ये इनके कॉमन नेम है फिश सीरीना सीरनास रेबा रेबा होता है वो ए मैच्योर अर्ली वन एक्सपोज टू आर्टिफिशियल डे लेंथ लॉन्गर देन द नेचुरल डे पीरियड एट लो टेम्परेचर इन विंटर तो विंटर के टाइम पे ये पाया गया है जो फिश है सीरिनस रेबा तो वो जल्दी मैच्योरेशन होता है उनका जब उन्हें आर्टिफिशियल डे लेंथ लॉन्गर दिया जाता है मीन्स आर्टिफिशियल फोटो पीरियड दिया जाता है जो नेचुरल डे पीरियड होता है उससे ज्यादा उनको लाइट और आर्टिफिशियली दी जाती है तब उनमें क्या पाया गया कि अर्ली वो मैच्योर होते हैं एट लो टेम्परेचर इन विंटर विंटर में भी कम टेम्परेचर में जब फोटो पीरियड कम होता है तब उन्हें आर्टिफिशियल फोटो पीरियड दे के भी जल्दी मैच्योर किया जा सकता है रिजॉप्शन ऑफ गोनेट्स इज डिले एंड स्पॉनिंग पीरियड इज इनक्रीज ड्यू टू फोटो पीरियड तो उससे क्या होता है हम जब आर्टिफिशियल उनको लाइट फोटो पीरियड दे रहे हैं तब री अब, रीऑब्जॉर्बशन ऑफ गोनेट मीन्स एब्जॉर्ब गोनेट्स एब्जॉर्ब नहीं होते वो अच्छी आ, अच्छी तरीके से ज़्यादा देर तक काम करते हैं गोनेट्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो जो ऑर्गन है वो बहुत जल्दी रीऑब्जॉर्ब नहीं होते हैं उसमें भी डीले होता है और स्पॉनिंग पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है क्यों बिकॉज ऑफ फोटो पीरियड इट शोज़ दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इज डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लेंथ ऑफ फोटो पीरियड तो ये पाया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है लाइट की वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर है कोई फिश मतलब दिन में अगर चार घंटे चार घंटे रोज सनलाइट उसको अच्छे से फ़ोटो पीरियड मिलता है तो वो जल्दी मैच्योर हो जाती है कोई फिशेज पूरा है, जो उनको दिन भर भी लाइट मिलती है तभी भी वो जल्दी मैच्योर नहीं हो पाती है तो ये क्या होता है उनकी वो लाइट रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे मैच्योर हो रही कितने लाइट में कितने फ़ोटो पीरियड में मैच्योर हो रही तो ये स्पीशीज़ टू तो स्पीशीज डिफर करता है एंड फ्रॉम प्लेसेज टू प्लेसेज एंड लेंथ ऑफ पीरियड तो पीरियड की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इन रिक्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ कल्टिवेबल फिशेज तो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ऑप्टिमम होना चाहिए फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट्स फिशेस नेवर ब्रीड्स सॉरी बिफोर द क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट्स फिशेस नेवर ब्रीड्स मीन्स अगर टेम्परेचर कम है ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर है तो फिश उसमें ब्रीड नहीं कर पाती है इफ फिशेस आर गिवन गोनेडोट्रोपिन देन दे कैन ब्रीड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट्स तो अगर फिश को गोनेडोट्रोपिन दिया गया है ठीक है तो वो बिलो टेम्परेचर पे भी ब्रीड कर सकती है क्योंकि उन्हें हार्मोन इंजेक्ट किए गए हैं इसीलिए तो ये किसने बताया कजानस्की इन 1962, लॉफ्ट्स एंड अदर नाइनटीन सिक्सटी एट ई टी एंड ए एल का मीनिंग है यहाँ पे एंड अदर मीन्स लॉफ्ट इज अ मेन साइंटिस्ट एंड अदर आर द टीम मेम्बर्स तो लॉफ्ट एंड अदर नाइनटीन सिक्सटी एट सजेस्टेड दैट द लो टेम्परेचर रिटार्ड्स द रेट ऑफ सेक्शुअल रिग्रेशन इन हाइपोफेक्टोमाइज मेल फंडस फंडूल हेटेरोस वेन ट्रांसफर टू वार्म वाटर मेजर कार्प ब्रीड विदिन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्राम ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस टू थर्टी वन डिग्री सेल्सियस तो जो हमारी फिशेज होती है इंडियन मेजर कार्प कतलारू हूँ उन वो उन, उनका जो टेम्परेचर होता है ब्रीडिंग का वो रेंज कहाँ से करता है ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस टू थर्टी वन डिग्री सेल्सियस बियॉन्ड दिस दे नेवर ब्रीड तो इतना अगर टेम्परेचर उन्हें नहीं मिल पाता है तो वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज फ्राम वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस फिशे कैन ब्रीड इन कंट्रोल कंडीशन अगर टेम्परेचर एट टू टू पॉइंट थ्री के बीच में बढ़ जाता है तो फिश्रो कंट्रोल कंडीशन में ब्रीड कर पाती है इब्राहिम एंड अदर नाइनटीन सिक्सटी एट अरेन्ज थ्री नाइंटी वन सेट ऑफ कतला रोहू एंड मिरीगल फॉर ब्रीडिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्राम ट्वेंटी सिक्स डिग्री 26.5 डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड ही कुड नॉट फाउंड एनी रिलेशन बिटवीन द ब्रीडिंग एंड टेम्परेचर मीन्स अभी हम कह रहे हैं कि 24 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए बट जो इब्राहिम है और उसके साथी जो है एंड अदर 1968 में उन्होंने 391 सेट्स अरेंज किए थे इंडियन मेजर कार्प के जिसमें कतला रोहू मृगल थी जिनका ब्रीडिंग करवाया गया था तो टेम्परेचर वहां पे कितना मेंटेन किया गया था 26.5 थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक और उसने उसे कोई भी वहां पे टेम्परेचर और ब्रीडिंग में कोई रिलेशन नहीं पाया गया मींस टेम्परेचर उस पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ वेन फिशेज वे आर गिवन सुटेबल डोज ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट और तब फिशेष को पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का डोज दिया गया था

कि जो सीरिनस रेबा है उसमें अर्ली मैच्योरिटी पाई गई इन अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल लाइट मीन्स उसे आर्टिफिशियल लाइट दिया गया और टेम्परेचर दिया गया तब उसे उसमें अर्ली मैच्योरिटी पाई गई इट इज ऑब्जर्व दैट पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट क्रिएट नेसेसरी नर्वस स्टिम्यूला फॉर राइपनिंग द सेक्शुअल प्रोडक्ट एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश तो ये पाया गया कि जब पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हम उनमें इंजेक्ट करते हैं तब नर्वस स्टिमुलाय होता है और आ, राइप सेक्सुअल प्रोडक्ट मिलते हैं हमें और फिश में ब्रीडिंग हो पाती है वर्गेसी इन 1968 रिपोर्टेड दैट द लोअर टेम्परेचर में प्रोवाइड अ फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायमेंट फॉर मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फिश तो वर्गेज़ी ने यह रिपोर्ट किया इन 1968 लोअर टेम्परेचर में भी अगर उन्हें फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन दिया जाए तभी तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो सकता है और अच्छे से अच्छी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिशेस में हो सकती है इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर ऑन ब्रीडिंग ऑफ फिश तो अभी हमने पढ़ा लाइट और टेम्परेचर के बारे में अभी ये जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर मीन्स लाइट और टेम्परेचर के अलावा और कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ब्रीडिंग में इफेक्ट जिन ब्रीडिंग में होता है जिनका इफेक्ट जनरली फ्रेश रेन वाटर एंड फ्लडेड कंडीशन आर प्राइमरी फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉनिंग ऑफ फिशेस तो जनरली नेचुरल नेचुरल ब्रीडिंग के टाइम पे क्या होता है जब रेन होती है अच्छी हैवी रेन होती है तब फिश ब्रीड करती है तो फ्रेश रेन वाटर एंड फ्लडेड कंडीशन आर प्राइमरी फैक्टर इनको क्या बोला गया है प्राइमरी फैक्टर ये दोनों चीजें क्या है प्राइमरी फैक्टर है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग विच और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉनिंग ऑफ फिश तो जब रेन होती है अच्छे से तभी फिश क्या करती है स्पॉन करती है अलॉन्ग विथ दिस देयर आर सम अदर फैक्टर दे आर नोन एज रेस्ट रिप्रेशन फैक्टर तो इसके साथ साथ और बाकी भी फैक्टर है जिन्हें हम लोग रिप्रेशन फैक्टर कहते हैं तो ये ये जो फैक्टर्स है ये क्या करते हैं ब्रीडिंग में रुकावट लाते हैं. टैंग 1963 सिक्सटी थ्री ऑब्जर्व इनहिबिशन ऑफ ब्रीडिंग इन सिपरिनास कार्पियो, कैरेशियस ऑरटस एंड तिलापिया मोसम्बिका। तो ये तीन जो स्पीशीज बताई गई है इनमें ये ऑब्जर्व किया गया कि इसे क्या हो रहा है इनमें इनहिबिशन ऑफ ब्रीडिंग मीन्स ब्रीडिंग को रोका जा रहा है इन सब फैक्टर्स से सिपरिनास कार्पियो, कैरेशियस ऑरटस एंड तिलापिया मोसंबिका टैंग ऑब्जर्व द अमोनिया इज द रिप्रेसिव फैक्टर विच इनहीबिट ब्रीडिंग इन दिस फिश तो टैंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ अमोनिया जो है वो क्या कर रहा है रिप्रेसिव फैक्टर एज अ रिप्रेसिव फैक्टर वो काम कर रहा है जिससे क्या हो रहा है ब्रीडिंग इनहिबिट हो रही है अलॉन्ग विदोनिया अदर एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेज विच विच आर प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो एक्ट एज रिप्रेसिव फैक्टर विच इनहिबिट ब्रीडिंग इन दिस फिश तो अमोनिया के साथ बाकी और भी एक्सक्रिटरी फैक्टर सब्सटेंस थे जो कि रिप्रेसिव एज अ रिप्रेसिव फैक्टर वहाँ पे काम कर रहे थे मींस रोक रहे थे ब्रीडिंग को विच इनहिबिट ब्रीडिंग इन दिस फिशेस क्लाउडी एंड रेनी डेज इंड्यूस फिशेस टू ब्रीड आफ्टर हैवी शॉवर तो क्लाउडी रेनी डेज अगर होते हैं तो फिश में ब्रीडिंग के लिए आ, मतलब ब्रीडिंग होने के लिए काम करते हैं ये जो ये सब फैक्टर तो आफ्टर हैवी शावर फिश क्या करती है ब्रीड करती है पीएच एंड डिजॉल ऑक्सीजन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग इन फिशिश तो फिशिश में ब्रीडिंग के लिए पीएच और डिजॉल ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीजनल चेंजेस इन द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ हाइपोथेलमिक न्यूक्लिया इन टेलीओस्ट आर फाउंड को रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फिश तो सीजनल चेंज के साथ जो स, स, सिक्रेटरी एक्टिविटी है मींस सिक्रीशन जो होते हैं हमा, हमारे हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो वो और श, सीजनल चे, इन, चेंजेस जो है तो इनके बीच में क्या पाया गया को रिलेशन पाया गया इन टेलीओस्ट तो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल और जो चेंज हो रहा है सीजन में तो इनके बीच में क्या पाया गया को रिलेशन पाया गया नेक्स्ट इज फोर नेटिंग क्लोथ दैट इज गम छा एंड देन रिलीज फॉर हैचिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीट्स और इन डबल वॉल्ड हैचिंग हापा और इन सीमेंट हेचरी तो जैसे ही ब्रीडिंग हो जाती है एग्स देकर हो जाते हैं फिशेज के तो उनको एक्स वहां से एक्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं बर्न से एंड वो कैसे कलेक्ट किए जाते हैं नेट की मदद से मॉस्किटो नेटिंग जो होती है उसकी मदद से जिसे हम लोग गमछा कहते हैं एंड देन रिलीज फॉर हैचिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ पीट्स और डबल वॉल हैचिंग हापा और इन सीमेंट हैचरीज़ और बाद में इन एक्स को कहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है अलग अलग टाइप के पीट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर डबल वॉल हैचलिंग हापा होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है और या फिर सीमेंट हैचरीज में तो जो डबल वॉल्ड हैचलिंग हापा होता है जो कि क्लोथ से बना हुआ होता है क्लोथ हापा होता है अंदर में उसके नेट लगी रहती है और उसमें एक्स ट्रांसफर किए जाते हैं जब एक्स ब्रोक होते हैं ब्रेक होते हैं उसके बाद जो यंग वंस होते हैं तो वो नेट के जो छेद होते हैं उसमें से निकल कर आउटर हापा जो होता है उसमें चले जाते हैं जो शेल होते हैं वो उस नेट में रह जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं डबल वॉल हैचलिंग हापा हैचिंग हापा और या फिर सीमेंट हैचरी में उसे तो सीमेंट का एक टैंक बनाया जाता है जिसे हैचरी कहते हैं या फिर उसमें ट्रांसफर किया जाता है. हैचिंग पीट्स पीट्स ऑफ साइज फोर 448 सेंटीमीटर 244 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर आर एक्सकवेटेड ऑन द बैंक ऑफ बर्न और रिवर विद द अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई तो साइज हैचलिंग पीट की साइज क्या होती है 448 सेंटीमीटर लेंथ ब्रथ एंड ब्रथ एंड हाइट है ये 200 244 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर तो ये ऐसे पीट्स बनाए जाते हैं ऑन द बैंक ऑफ बर्न और रिवर और वहाँ पे वाटर वाटर सप्लाई का भी अरेंजमेंट किया जाता है इन ईच पीट नियर अबाउट नाइन लैख टू ट्वेंटी टू लैख एक्स आर स्टॉक तो हर एक पीट में नौ से बाईस लाख तक के एक्स स्टॉक किए जाते हैं परसेंटेज ऑफ हैचिंग इज अबाउट टू पॉइंट फाइव परसेंट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट और हैचलिंग परसेंट कितना होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट टू टू ट्वेंटी फाइव परसेंट है एक्स हैच हो पाते हैं इसके बाद देखो डबल वॉल्ड हापा सबसे पहले हमने पढ़े हैचिंग पीट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डबल वॉल्ड हापा हापा कंसिस्ट ऑफ एन आउटर हापा ऑफ साइज 182 सेंटीमीटर इनटू 91 सेंटीमीटर इनटू 91 सेंटीमीटर एंड इनर हापा जो छोटे साइज का होता है उससे जिसका साइज होता है 152 सेंटीमीटर इंटू सेवेंटी सेंटीमीटर इंटू फोर्टी सेंटीमीटर तो ये एक, के अंदर एक ऐसे फिट किए जाते हैं आउटर हापा इज मेड अप ऑफ ऑर्डनरी क्लोथ एंड इनर हापा इज मेड अप ऑफ राउंड मेश मॉस्किटो नेटिंग क्लोथ तो मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बताया डबल वॉल्ड हापा के बारे में तो जो आउटर हापा होता है वो क्लोथ से बनाया जाता है ऑर्डनरी क्लोथ होता है और जो इनर हापा होता है जिसमें हम एक्स रखते हैं वो मेड अप ऑफ राउंड मैश्ड मॉस्कटो नेटिंग क्लोथ मीन्स नेट का कपड़ा होता है उससे बनाया जाता है ऑल द हापा आर केप्ड इन हॉरिजोंटल पोजिशन वन विद इन द अदर तो एक के अंदर एक इसे फिक्स किए जा किया जाता है वाटर डेफ्थ इन द इनर हापा इज मेंटेन अप टू ट्वेंटी थ्री टू थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम तो इनर हापा में जो अंदर का हापा होता है ठीक है आउटर हापा और इनर हापा तो अंदर में जो हापा होता है उसमें वाटर लेवल कितना मेंटेन किया जाता है ट्वेंटी थ्री टू थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम आफ्टर हैचिंग हैचलिंग्स माइग्रेट फ्रॉम इनर हापा टू आउटर हापा मीन्स उसमें छेद होते हैं तो जैसे ही हैचिंग होता है एक ब्रेक होता है एक जो है उसमें से फिश निकलती है यंग वन तो वो जो नेट होती है इनर हापा नेट से बना होता है तो उसमें से पास आउट होकर वो नीचे आउटर uh, हापा में आ जाती है एंड रिटेन देयर फॉर टू टू थ्री डेज और वहां पे दो से तीन दिन तक उन्हें रखा जाता है सर्वाइवल परसेंटेज इन हापा इज अबाउट थर्टी टू टू फिफ्टी परसेंट और हापा में जो सर्वाइवल परसेंटेज है वो कितना है थर्टी टू टू फिफ्टी परसेंट सर्वाइवल रहता है नेक्स्ट इज सीमेंट हैचरीज तो फिश हैचरी में ही हमने पढ़ा सबसे पहले हमने हैचलिंग पीट उसके बाद डबल वॉल्ड हापा अभी इसके बाद सीमेंट हैचरीज पड़ रहे हैं सीमेंट हैचरीज ऑफ साइज टू पॉइंट फोर्टी मीटर इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी मीटर इंटू जीरो पॉइंट थर्टी मीटर आर कंस्ट्रक्टेड नियर बंद ठीक है तो ये सीमेंट से बनाया जाता है और इसकी साइज होती है टू पॉइंट फोर्टी मीटर इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी मीटर इंटू जीरो पॉइंट थर्टी मीटर तो ये बंद के पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है सीमेंट हैचरीज आर हैविंग मोर देन थ्री टाइम कैपेसिटी देन द दे डबल वॉल हापा सीमेंट हैचरी में कैपेसिटी थ्री टाइम्स होती है डबल वॉल्ड हापा से भी ज्यादा कैपेसिटी में हम लोग एक सौ उसमें डाल सकते हैं परसेंट ऑफ सर्वाइवल इज अप टू नाइन्टी सेवन परसेंट सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा इसमें नाइन्टी सेवन परसेंट है आफ्टर द सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ फिश बाय इंडियोस ब्रीडिंग न्यू टेक्निक्स आर डेवलप इन दैचरी सिस्टम तो सक्सेसफुल ब्रीडिंग जो टेक्निक इंड्यूस ब्रीडिंग के से हम लोग ने जो सक्सेसफुल ब्रीडिंग की है जो टेक्निक बनाई है तो उसके बाद हैचरी सिस्टम भी डेवलप हुआ जिसमें सच एज हैचलिंग हापा तो हैचरी सिस्टम में हैचलिंग हापा बनाए गए, सीमेंट सिस्टर्न बनाए गए सीमेंट सिस्टर मीन सीमेंट का टैंक बनाया जाता है बीन हैचरी होती है एसेक्ट्रा तो ये सब क्या है टेक्निक से डेवलप डेवलप की गई है हैचरी टेक्निक्स फर्दर द हैचरीज लाइक जार हैचरी चाइनीज हैचरी, मॉडर्न हैचरी, मॉडल सी आई एफ ई डी एटी वन सी आई एफ ई डी एटी फाइव वर डेवलप तो ये अलग अलग नई टेक्नोलॉजी है जिसमें अलग अलग हैचरीज और बनाई गई है जार Hatch, हैचरी है वो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे चाइनीज हैचरी भी ट्वेल्थ में है आपको मॉडर्न हैचरी और ये नई नई जो टेक्निक्स है वो डेवलप की गई है हैचरीज में तो इसके बाद का जो टॉपिक है फोर पॉइंट सेवन हैंडलिंग ऑफ एग एंड स्पॉन तो ये रिड्यूस है टॉपिक हमारे सिलेबस से इसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फिश कल्चर इन इंडिया तो यहाँ पर ये जो ये टॉपिक है वो खत्म होता है तो और यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है नाव डेज चाइनीज हैचरी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर एंड फिश फार्मर आर यूज इट फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड हैचिंग इन दिस फिश इन देयर फिश सीड प्रोडक्शन यूनिट तो चाइनीज हैचरी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यूज कर रहे हैं फिश फार्मर जो है फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड हैचिंग तो ये सब हमको इसके डिटेल्स हमको चैप्टर ट्वेल्थ में ट्वेल्थ की बुक में हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज हैचरी मैंने अभी आपको बताया कि चाइनीज़ हैचरी हमें ट्वेल्थ में भी है तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है थैंक यू स्टूडेंट्स